नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल साई ऑटो एक्सपर्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा कोड है 5277 और 5274, ये कोड किसका है और क्यों आ रहा है, इसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। कोड हमारा टोटल वाल से रिलेटेड है, क्यों आ रहा है और प्रॉब्लम क्या है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, इससे आपको आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। चलते हैं हम सीधे क्लस्टर मीटर के ऊपर और वहां से हम चलेंगे सीधे हमारे लैपटॉप की। तो आ चुके हैं हम हमारे क्लस्टर मीटर के ऊपर और यहां पर आपको दिख रहा होगा चेक लैंप, ओनली फॉर चेक लैंप ही है, इसके अलावा कोई लैंप नहीं है। तो चेक लैंप क्यों आ रहा है, तो हम चेक करेंगे किससे, हमारे लैपटॉप से, जो हमारा इनसाइट है उससे चेक करेंगे। चलते हैं हम सारे सीधे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहां पर देखते हैं फॉल्ट कोड क्या है। तो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर हम चलते हैं, तो यह हमारे लैपटॉप की स्क्रीन है, लैपटॉप हमारा कनेक्ट है और फॉल्ट कोड क्या आ रहा है वो चेक करते हैं। तो यह हमारा फॉल्ट कोड तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इंजन एग्जॉस्ट बैक प्रेशर रेगुलेटर आउट ऑफ कैलिब्रेशन, और दूसरा हमारा है 5274 इंजन एग्जॉस्ट बैक प्रेशर रेगुलेटर पोजिशन, या तो उसकी पोजीशन सही नहीं है, या उसका कपलर लूज है, या वो टोटल वाल हमारा खराब है। तो हम चलेंगे सीधे टोटल वाल की तरफ और वहाँ पर चेक करेंगे कपलर में सप्लाई बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और देखेंगे उसका कपलर सही से लगा है या नहीं लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट के पास ये टर्बो, टर्बो के जस्ट पास में हमारा टोटल वाल है। टोटल वाल में प्रॉब्लम हो रहा है गाड़ी के अंदर, पर टोटल वाल में यहाँ से टोटल वाल हमारा डैमेज है, डैमेज होने के कारण ये सेंसर काम नहीं कर रहा है, डैमेज होने के कारण सेंसर काम नहीं कर रहा, तो ये टोटल वाल में चेंज करना पड़ेगा और चेंज करने के बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यहाँ पर हमारा जो टोटल वाल है हम इसे बाहर निकाल रहे हैं और यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, और प्रॉब्लम क्या थी वो बाहर निकालने के बाद आपको पूरा इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा मैं। तो टोटल वाल हमारा बाहर निकलने वाला है बहुत जल्द, और इसमें हम प्रॉब्लम कहाँ है वो भी देख। ये हमारा टोटल वाल बाहर आ चुका है और इसको हम बाहर लेके फिर देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये जो हमारा टोटल वाल है जाम भी हो रहा है ये, जबकि ये इतना आराम से नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मली चलता पर ये बिल्कुल जाम। तो ये यहाँ से डैमेज भी हो गया था, तो इसकी वजह से ये सेंसर हमारा काम नहीं कर रहा था और ये बिल्कुल जाम हो गया है। तो अब हम नया वाला भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा टोटल वाल है, ये देखो ये एक आराम से काम कर रहा है बिल्कुल नॉर्मली, और ये हमारा जो पुराना वाला है ये क्या हुआ, यहाँ से क्रैक हो गया था और यहाँ से ये बिल्कुल जाम हो गया है, इसकी वजह से हम टोटल वाल चेंज कर रहे हैं, टोटल वाल हमारा नया डालेंगे, उसके बाद हमारा जो कोड है वो रिमूव हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से टूट भी गया है और ये जाम होने की वजह से गाड़ी में 5277 और 5274 कोड जनरेट हो रहा था। तो हम चलेंगे सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर और क्लस्टर मीटर पर, देखेंगे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। दोस्तों यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं हमारे फिर से लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हम देखते हैं फॉल्ट कोड। तो फॉल्ट कोड आपको दिख रहा होगा 5274, जो इनएक्टिव हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पर नया टोटल वाल डाल दिया है गाड़ी के अंदर। और अब हम इसको 5277 जो कोड आ रहा है उसको हम एक बार रीसेट कर लेंगे, क्योंकि इसको रीसेट करना पड़ेगा, बिना रीसेट के जाएगा नहीं। सबसे पहले इसे रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करने के बाद इसका एक टेस्ट आता है, वो टेस्ट देखेंगे, अगर वहाँ पर पास हो जाएगा तो हमारा टोटल वाल अब ओके काम कर रहा है। तो ये रीसेट होने के बाद हम एक बार टेस्ट भी देख लेंगे, फिर अपन क्लस्टर मीटर की स्क्रीन पर चल देंगे। ये हमारा फॉल्ट कोड रीसेट हो चुका है, यहाँ पर अभी कोई फॉल्ट कोड नहीं है और हम चलेंगे सीधे ECM डायग्नोसिस टेस्ट में। और यहाँ पर हमारा ये आपको दिख रहा होगा एग्जॉस्ट टोटल वाल ऑटो जीरो टेस्ट, तो इसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो
तो स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे स्टेटस में कि टेस्ट हमारा कंप्लीट एंड पास हो रहा है, तो मतलब यहाँ से हमारा टेस्ट ओके है और हम सीधे एक बार फिर टेस्ट कर लेंगे। सेकंड टाइम भी हमारा पास हो रहा, मतलब होटल वाले की तरफ से हम हमारा काम ओके हो गया, गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। और चलते हैं क्लस्टर मीटर के ऊपर और वहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो लैंप आ रहा था वो 12 एक नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा लैंप है वो भी निकल चुका है और ये हमारा जो होटल वाले में प्रॉब्लम थी उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब हमारी गाड़ी कम्प्लीट है। और ऐसे ही दोस्तों आप भी चेक कर सकते हो होटल वाले आने के बाद, टेस्ट भी चेक करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, टोटल वाल में अगर कोई प्यून जो टोटल वाल का कपलर है वो अगर लूज कनेक्शन हो तो फोल्ड कोड वापस साथ का साथ हमें दे सकता है। तो ऐसे ही तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ऐसे बताया था कि 5277 और 5274 कोड जो एग्जॉस्ट इंजन एग्जॉस्ट ब्रेक प्रेशर वाला जो टोटल वाल होता है हमारा, टोटल वाल का जो कोड था तो वो किस वजह से आ रहा था, तो वजह आपको मैंने इस वीडियो में बताई दी कि टोटल वाल पूरा डैमेज हो रखा है। डैमेज होने की वजह से वो सेंसर हमारा काम नहीं कर रहा था, इसलिए 5277 कोड एक्टिव में आ रहा था और उसकी काउंटिंग बढ़ने का कारण था 5274 की काउंटिंग जो बढ़ रही थी वो उस कारण थी, वो सेंसर उसका डैमेज हो चुका था। तो ऐसे वीडियो हम आपके लिए और भी लाएंगे और हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और लाइक शेयर जरूर करिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।